रत्ना अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप स्टार्टर के रूप में खा सकते हैं। हम इसे घर के रखे कुछ मसालों से ही बनाएंगे। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। मैंने थोड़े बड़े पीसेस कटवाए हैं, आप चाहें तो छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑल पर्पज फ्लावर मैदा, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन ग्राम फ्लावर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूजी यानी कि रवा, 1 लेमन जूस लिया है मैंने और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स धनिया की पत्ती। और यहाँ तलने के लिए हम तेल का यूज करेंगे, रिफाइंड ऑयल का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन में हम डालेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला, सॉल्ट थोड़ा ध्यान से डालिएगा, चाट मसाला में भी नमक होता है, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑल पर्पज फ्लावर, वन टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे इसमें रवा यानी कि सूजी, और 2 टेबल स्पून ही हम डालेंगे इसमें बेसन। डालेंगे थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और ये लेमन जूस। अब सबको डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे अच्छे से कोट करना है ताकि ये सारे चिकन में अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ ये अच्छे से कोट हो चुके हैं सारे चिकन में। अब मैं इन्हें 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ ये चिकन मैरिनेट हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, मैं गैस ऑन कर रही हूँ और ऑयल को हम गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। सारे चिकन मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसमें ये हर्ब्स डालूंगी थोड़े थोड़े करके। ये टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप चाट मसाला और नींबू डाल के भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें थाइम थोड़ी सी, यहाँ मैं डाल रही हूँ ऑरेगानो, डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स और बेसिल। तो ये सभी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला और इसमें हम डाल देंगे ये नींबू। अब हम इसे टॉस कर लेंगे। तो ये हमारे फ्राई चिकन एकदम तैयार हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी, टैंगी और जूसी से चिकन फ्राई एकदम बनकर तैयार हैं।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।